Welcome back to my channel. So if you're new to this channel, hi, my name is Ashi Khan and I'd be really happy if you take a moment and subscribe to my channel below. And yes, I know, I'm sorry, maine aapko nahi bataya that I'm home. I'm in Delhi right now. And yes, bahar ki awaaz ignore karna because balcony is open. So I landed in Delhi on 25th shamish time mein kuch. Basically the routine was, ek se mein bandhi rahi thi, bahut shor ho raha hai. Wow, light is. मुझे यहाँ फोटो खींची ना वेट हेयर लुक फोटो खींचते हो अभी अब तक लाइट है क्योंकि वीडियो तो नहीं बन पाएगी इतनी आवाज है. यस, एज आई वाज सेइंग, मेरा सुबह से शेड्यूल वॉज मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं था. सुबह मैं उठी एंड आई हैड माई रेगुलर ब्रेकफास्ट विच इज टोस्ट एंड not cold coffee, black coffee because I'm cutting down on sugar because mera weight kafi zyada gain ho gaya tha. Matlab not in terms of weight wala gain nahi, but mere face pe kafi zyada you know wo gain dikhne lag gaya tha. Pata nahi kyun, maybe it was due to the medications that I was on earlier, hormonal medications or what, I don't know kya scene tha, but jo bhi tha bahut bura tha. So I decided I have to get rid of all this. So yes, matlab 5 days a week I was working out and now it's the second month. I think I'm gonna work out by thrice or four times a month and aadha ghanta ek ghanta I try to work out and yes, I hope it brings a change. And मैंने sugar cut down कर दिया है अपना. मैंने junk बहुत कम कर दिया, मतलब बाहर से आपको पता है मैं कितना order करती थी, रोज order करती थी. I am surely not on a diet, but I try to eat घर का खाना. मैं यहाँ पे एक photo attach करूँगी by the way, जो मेरा थोड़ा पुराना, जब मैंने intro shoot किया था ना अपना YouTube का new वाला, तब की photo और एक अब की photo, तो आप face में फ़र्क अगर देख सकते हो तो मतलब वही है कि मतलब मैंने शुगर सारा शुगर कट, क्योंकि मैंने प्रॉपर, मैंने लोग जब वर्कआउट करते हैं एंड दे वांट टू लूज वेट वो प्रॉपर डाइट पे जाते हैं. मैं डाइट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं डाइट कर ही नहीं सकती, आई एम अ बिग फूडी. अभी मैं उस फेज में आई हूँ जिस फेज में मैं ऑलरेडी थी, मेरी बॉडी जैसी थी अभी वैसी होना शुरू हुई है. एंड बेनी गाइज, अच्छा अब आप पूछोगे आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया अपना ट्रैवल वाला कि मुंबई से दिल्ली का बेनी का रिएक्शन, वो इट्स बिकॉज आई ऑलरेडी डिड दैट अ मंथ बैक एंड मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था वो रिकॉर्ड करे हुए. तो अगर आपने देखना है तो आप यहाँ पर वीडियो देख सकते हो, अगर आपने नहीं देखी है तो बेनी कैसे रिएक्ट किया था. मेरे पास काफ़ी काम है करने को एंड अभी मैं नहा के आई हूँ, रेडी हुई हूँ फटाफट एंड आई हैव टू गेट माई पासपोर्ट साइज पिक्चर्स क्लिक्ड. इसमें मैंने सब लिखा हुआ है बाय द वे, जब मेरे को ज़्यादा काम होता है तो मैं लिख लेती हूँ. ओ ऑल्सो गाइस बाय द वे, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू मेंशन दैट कल जब मैं आई थी घर से, मुंबई से आई मीन, तो मैंने कुछ पैकेजेस मंगवाए थे यहाँ पे. तो एक मम्मी के लिए मंगवाया था मैंने, तो उसका क्लिप मैंने कल ले लिया था मम्मी को देते हुए, तो अभी आप देखोगे वो वाला क्लिप. ये मम्मी का साथ नहीं छोड़ता है कभी भी, हमेशा मम्मी के पास ही बैठा रहेगा. जब देखो अभी मैं आई हूँ, मुझे भी थोड़ा भाव दिया है 10 मिनट, उसके बाद वापस बैक टू स्क्वायर वन हो गया. A1 पैकेजिंग पूरा निकाल के करेंगे ना बॉक्स को. ओ यार करो. सो ये मैंने मंगवाया था बैग, मैंने दो बैग मंगवाया, दूसरा मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो दिस इज फॉर योर मम्मी. ये मैंने आपके लिए मंगाया था. Oh, so और जो दूसरी, मेरे को सरप्राइजेस क्यों मिलते हैं यार, ऑलवेज मैसी. थैंक यू, सो क्यूट. मेरे को समझ नहीं आ रहा था, पहले मैंने सेफ प्ले किया थोड़ा सटल कलर. ओ बहनी आप ऊपर कैसे चढ़ गए अपने आप, थैंक यू सो मच, सो चीप. वाओ इसमें क्या क्या है, वाओ ये खोलना क्या है, फूल वूल दिया है गाइस उन्होंने साथ में. ये मम्मी के लिए मैंने मंगवाया था और जो मैंने अपने लिए मंगवाया वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी. अगर मतलब ऐसा मुझे देखो पतला होने कहने के लिए और मोटिवेट, हाँ ये रिश्वत है, ये आप मेरे ब्लॉग में देख लो गाइस, मैंने रिश्वत दी है, जो मुझे पतला बोलेगा उसको गिफ्ट देते हैं. पहले पूछा गया मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने शायद बहुत अच्छा रिप्लाई करा एंड आपके साथ मुझे मिलता है प्यारा सा गिफ्ट. तो सब मुझे पतले पतले बोलो कमेंट्स में, जल्दी सोच समझ के अच्छे से दीजिए. थैंक यू, लव इट. बैनी का ओ
स्वीटी पाई, नो पेपर नहीं खाना, मेरा स्वीटी पाई व्लॉग में ही नहीं आया अब तक, फिर लोग बोलेंगे आप स्वीटी पाई को लेते नहीं हो व्लॉग में। स्वीटी पाई, स्वीटी पाई ने एक चीज़ करी है, मैं आपको दिखाऊँ। स्वीटी पाई मम्मी को, मम्मी ने स्वीटी पाई को गले में ऐसे छुन छुन बांध दिया, जब भी भागता है छुनक 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 करके भागता है, इतना हंसी आती है मुझे, रात में छन छन करके भागता रहता है। मैंने किसी तो कहा, तो मुझे किसी कहाँ दिया, मैंने किसी नहीं करता मुझे सुनो मैं छुन छुनो। अरे वो यार अब टिकती यू नहीं हो यार, यार भाई साहब भाई साहब, वो देखो क्या है, हड्डी 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 हड्डी, ओ इसका हड्डी मैजिक कोड वर्ड है, उससे भी नहीं सुन रहा। इसको मम्मी के पास जाना है, मम्मी का चमचा है, मम्मी का ये क्या किया, ओ बाहर है मेरे बहन, ये मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे भूल गए वो, ठीक है आगे मेरे पास, इधर आओ, मुझे पारी तो कर दो, पारी पारी कर दो भाई साहब, छोड़ ना 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 पारी, अच्छा सॉरी अच्छा सॉरी, अभी देखो मैं खुद को मारूंगा तो देखते करते जाएंगे। बहनी स्वा तेरे से मिट्टी, मेरे को लगती कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई और मुझे मारता गाइस तो ऐसे करता है, ऐसे मैं सोचता कि मेरे लिए प्रोडक्टिव नहीं है, ठीक है ना, तो मुझे मारना बस बहनी को छोड़, बहनी को छोड़ दो क्या आपके ऊपर, बट कोई और मारता तो बहनी जैक करता, अगर खुद से आ रहा तो वो नहीं कर रहा, उसका मूड होता है, ये एक हमसे कुत्ते होते हैं भाई मूडी, एक बार ऐसे मारने की एक्टिंग करो, बोल उसको आ बहनी बोल आ बस, थैंक यू मैम, मुझे ये दिखाना था कि ये मेरे को भी प्रोटेक्ट करता है, थैंक यू मैनी फॉर नॉट लेटिंग मी डाउन, थैंक यू। तो गाइस अब जाने का टाइम हो चुका है, चलो चले गाइस, अब हम जा रहे हैं पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने, मेरे को भी करानी है, मम्मी को भी करानी है, एंड देन टाइम बाद मैं गाड़ी में बैठी हूँ, मैं ऑटो में बैठ बैठ मुझे वो हो गया, मैं बहुत टाइम बाद गाड़ी में बैठी हूँ, अभी हम जा रहे हैं पासपोर्ट साइज फोटो लेने, यार मेरी लास्ट पासपोर्ट साइज फोटो है, मैं अब तक यूज करती हूँ, पता है कितनी पुरानी है, लगा लो 4 साल पुरानी, जब मेरे लाल बाल थे, आधे लोगों को पता भी नहीं होगा मेरे लाल बाल थे, मतलब जब मेरा स्कूल खत्म हुआ था, मेरे बोर्ड्स के लास्ट दिन मैंने जिद की थी मुझे बाल कलर कराने ही कराने, और चढ़ी की बोर्ड खत्म हुए, अब मेरे को फ्रीडम वाली फीलिंग नहीं आ रही, पर मैं कुछ ऐसे कराऊंगी जिससे मैं बहुत मतलब, और उस टाइम मैंने कलर नहीं कराए थे ना हेयर, फर्स्ट टाइम था ना मेरा, फर्स्ट टाइम था, मैंने ब्लीच करा ली बालों में, कैसा लगा सबको, और मेरे इतने सुंदर बाल थे गाइस, इतने मुझे ब्लीच व्लीच का कोई आइडिया नहीं था क्या होता है, मेरे इतने सुंदर सिल्की स्मूथ लंबे बाल थे, मतलब फर्स्ट टाइम बड़ी मम्मा के पास नहीं आए थे आप कराने के लिए, वो जो कलर सेक्शन चेंज हुआ था वहां से, तो मैंने तैयार हुई थी फेयरवेल के लिए, मैंने रेड स्ट्रीक्स करा रही थी और बहुत ही ज्यादा स्ट्रीक्स करा रही थी, ऐसे नहीं कि एक दो, तो मेरे पूरे बाल लाल लगते थे, और उस चलो मेन बात पे आती कि मेरे उस टाइम की फोटो है मेरे पास पासपोर्ट अब तक, तो उसमें मैं ही नहीं लगती पहली बार, तो बहुत अच्छे लगते उसमें, प्लीज मम्मी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। सो गाइज आई वॉन्ट यू ऑल टू मीट द न्यू इन्फ्लुएंसर इन टाउन, मम्मी के कितने हो गए मम्मी आपके फॉलोअर्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ये 11 होता है तो 2 होता है, 2 फॉलोअर, वो तो गाड़ी छोड़ दी, 11 के फॉलोअर, ऑल योर लव, तो मम्मी बन चुकी है न्यू मम्मी इन्फ्लुएंसर इन टाउन, एंड अभी हम जाके वीडियोस भी बनाने वाले हैं ना, यस मम्मी की प्रोफाइल के लिए, आई वाज वेटिंग फॉर आशी टू कम ओवर ताकि मैं फटाफट से ये आए और मैं इसके साथ अच्छे-अच्छे से रील्स बनाऊं, तो मम्मी के साथ अभी हम रील बनाएंगे, मम्मी के प्रोफाइल के लिए, मेरे के लिए भी थोड़ी थोड़ी, उसके बाद मैंने आपको बताया मैं लाइव जाना है, इतना मुझे 2 घंटे में सब काम करना है, तो अभी पहले जाते पासपोर्ट फोटो जाने, बहुत बोलती हूँ मैं, गाइस मैं यहाँ पे आई हूँ पहली बार, मैं जिम सप्लीमेंट्री शॉप पे आई हूँ बाय द वे, बिकॉज अदरवाइज जब मैं घर पर प्रोटीन पीता हूँ तो संकेत तो रहती हूँ मैं, बट मेरे लिए बहुत अजीब सी फीलिंग है, बिकॉज मेरे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है इन सब चीज़ों से, बट इट्स अ वेरी न्यू फीलिंग, एंड मैंने ले लिया प्रोटीन 1/2 kg, तो मैं आपको दिखाती हूँ सब कुछ, एंड इसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं, पहले मैं बिलिंग कराती हूँ उसके बाद, गाइस बहुत मुश्किल से मैंने सेट किया कैमरा यहाँ पे, तो मैंने प्रोटीन ले लिया, मैंने न्यू शेकर भी लिया क्योंकि मेरा शेकर, मेरे को इतना दुख हो रहा है मैं शेकर नहीं लाई, फालतू के पैसे पटने पड़े मुझे इस पर, बट जो भी ये वाला प्रोटीन लिया मैंने चॉकलेट ब्राउनी फ्लेवर, ये वाला प्रोटीन है, मुझे पता नहीं है टेस्ट कैसा करेगा, जो मैं घर पे पीती हूँ वो तो बहुत ही मीठा होता है, मेरे को शुरू में इतना गंदा लगता था प्रोटीन पीना, आई वॉन्ट लाइक, बट उसके बाद आदत हो गई, और क्योंकि अब पूरे दिन में यही एक चीज़ है जो बहुत ही मीठी मुझे पीने मिलती है,
और मेरी पासपोर्ट साइज फोटो में इतनी छोटी ना वो निकाली है, मैंने बोला ये क्या इतनी छोटी छोटी हुई, हमें तो आदत है बड़ी बड़ी कम से कम इतना तो होता ही साइज देख लो पहले, इतनी स्मॉल मेरे हाथ से कंपेयर करके दिखाती हूँ देखो। एनीवे मैंने दो निकलवाई है, एक बाल आगे करके एक बाल छोटी करके, देखो स्वीटी पार लग रही हूँ। अच्छा वो मुझे भी गिव अवे मिला, कभी कभी मुझे मम्मी के जोक्स ही समझ नहीं आते क्या वो, फिर मेरे को सोचना पड़ता है। अच्छा 3 दिन पुरानी बात की बात है वो भी है तो मैं इसलिए सबको चलो चले कैमरा गिर जाएगा गाड़ी चलते ही, तो अलविदा ना कहना। लग रही थी अनकंट्रोलेबल भूख और प्यास, तो अभी हम रुके हैं फ्रूट वाले भैया के पास, मम्मी खा रही हैं क्या बनाना या पियर पता नहीं क्या, और मैं बेस्ट ब्रेक मैंने लिया है नारियल पानी में, मुझे ऑयल आ रहा है तो यस भैया मेरा नारियल पानी तोड़ रहे हैं ऐसे से, इनके हाथ भी साफ नहीं होते होंगे वैसे। 20 रुपए गिर गया मम्मी, आपने पूछा था कितने का है? मुझे नहीं पता, जितने का तो दे दिया। और इतना बड़ा नारियल है मेरे मुंह से भी पड़ा है, ये इतना बड़ा और इतना भारी है, मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ बेटर है ना, सिर्फ नारियल का ही भार है मेरे को लग रहा है। नहीं पानी भी होगा इसमें, अच्छा ठंडा होता तो मजा आ जाता है, मीठा मीठा बट नहीं अच्छा है, इट्स गुड यार। Or I think it's best to have some fruits and nariyal pani when you're on diet. So that's best thing. कैसी लग रही है आशी आपको नारियल पानी पीती हुई after junk? पहले गाड़ी रुकती थी pizza पे, burger पे, garlic bread पे, और अभी क्या कह रहे हैं, मिट्टियाँ लग रही है मेरे हाथ पे बताते हुए, लोग बाहर से देख रहे हैं तेरे को कि नारियल पानी। I don't care because यही ब्लॉगर की लाइफ है गाइस, देख लो लोगों की स्टेयर्स झेलना आपको आना चाहिए, मतलब आपको पब्लिक में ब्लॉग करना है तो लोग घूरेंगे ही, और मतलब अभी तो मैं गाड़ी के अंदर हूँ फिर भी लोग घूर रहे हैं। गाइस आप बताओ आपको फ्रूट्स ज्यादा पसंद है कि नारियल पानी? वैसे ये क्या कंपैरिजन हुआ, आज ये बात बताओ, आप बताओ आपको नारियल पानी पसंद है कि नहीं, बस इतना बता दो, इतना बता दो तुझको चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं इख्तियार। न्यू सिंगर इन टाउन, वाओ बेबी ये सोचा दिल अब जो लगा हूं मिले गाइस ये देखो ASMR ये साउंड बहुत जरूरी है, आ रही होगी होती है ये क्या आपने पी लिया है? शिट आई नहीं, मेरी सांस फूल गई, लाओ मैं बस बैठ बैठ। दिल्ली की बारिश हो रही है एंड ये खोल के ले, अच्छा हम खोल के ले ताकि मेरा कैमरा गुड बाय हो जाए, फिर कैमरा मुझे आप गिफ्ट करना। छटके पहुंच जा तुरंत वाली है ताकि ये देखो ये हमारा हाथ की लुम्बड़ हो गया, ये तो बताओ ये हमारा कौन सा एरिया है, ये है गाइस यूनिवर्सिटी एरिया एंड सबको पता ही होगा जो दिल्ली में रहते हैं यूनिवर्सिटी एरिया। गाइस यहाँ के बाय द वे मुंबई वालों देख लो दिल्ली के ऑटो का कलर ऐसा होता है, वहाँ पे ब्लैक होते हैं ना अब, तो ये देख के ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ स्पेशल ओकेजन के लिए येलो करा हुआ है उसको, शिट कितना अलग लग रहा है। और हम यहाँ ऑटो बोलते हैं, वहाँ पे लोग उसको बोलते हैं रिक्शा, रिक्शा यहाँ पे वो पैदल वाली होती है, वो मुंबई में है ही नहीं, वो पता है मैंने एक नहीं देखी जो रिक्शा यहाँ होती है, वहाँ नॉर्मल रिक्शा साइकिल वाली, मुंबई में वो रिक्शा ही नहीं है, वो इसी को रिक्शा बोलते हैं ऑटो को। बोलो गाइस मैं दिखाती हूँ अभी रिक्शा दिखती है तो चलाओ ना मम्मी रिक्शा को फॉलो करो, ये गाइस ये जो है ना ये होती है रिक्शा यार, रिक्शा ऑटो को रिक्शा नहीं बोलते, ये रिक्शा होती है और ये ऑटो होता है, देखो दोनों आपको मैंने साथ में कंपैरिजन दिखा दिया, तो प्लीज रिक्शा और ऑटो में फर्क समझिए। बट हाँ ठीक है वहाँ पे रिक्शा है नहीं तो उसको रिक्शा बोल सकते हैं। चलो बोल लो, हम पहुंच चुके हैं कमला नगर की मार्केट, वेरी फेमस अगेन, बट बारिश हो रही है तो ऑफ कोर्स हम बाहर नहीं उतर पाएंगे बिकॉज लोकल मार्केट, यार मेरे को लोकल शॉपिंग करके अरसा हो गया है, पता है जब से लॉकडाउन का सीन हुआ है कुछ भी हुआ है मैं ऑनलाइन शॉपिंग ही करती हूँ, सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग, नॉट इवन स्टोर भी ऑनलाइन शॉपिंग ही, हाँ बट मैं एटलीस्ट मॉल्स वगैरह जाती थी, स्टोर स्ट्रीट शॉपिंग में मैं कॉलेज के टाइम पे इतना स्ट्रीट शॉप भी करती थी, अब कुछ होता ही नहीं है, मतलब ऐसे लॉकडाउन ने ऐसा बर्बाद कर दिया है कि मतलब ऑनलाइन Now I am a complete online shopper. So guys, I'm finally back home and जैसे कि मैंने बोला था मुझे unbox करना है मेरा package जो आया था, और मैंने अभी ऊपर से ये पढ़ा इसका बहुत मुश्किल था ये निकालना anyway, and also मुझे एक और surprise मिला अभी 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 आपको मैं बताऊँगी in a while. Are you ready? इतना छोटू सा है
इसने मुझे बहुत परेशान किया गया, पता है क्यों? क्योंकि मैं आपको फैक्ट्स में बता रही हूँ कि मेरा नाम आशिमा है और मैं कस्टम इंटरनेशनल शिपिंग, क्योंकि इसमें KYC रिक्वायर्ड होती है, मैंने उसमें अपना नाम आशी खन्ना लग गया, जबकि KYC मेरे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आशिमा नाम है। तो ये मुझे इतना डर था कि अटक ना जाए पैकेज, बिकॉज KYC वेरिफिकेशन में शायद अटक सकता था, बिकॉज नाम वेरीफाई नहीं कर पाते। इज ऑफिशियली माई फर्स्ट लग्जरी बैग परचेज, बिकॉज मुझे बैग्स का इतना शौक है नहीं सच बताऊँ तो, मुझे शूज का अब हो गया काफी, कपड़ों का है, बट बैग का नॉट टू मच, बिकॉज यू नो आई मोस्टली कैरी आइदर शोल्डर बैग्स और स्लिंग बैग्स या कुछ भी ऐसा, तो मेरे को इतना शौक है नहीं, पता नहीं क्यों, बट मुझे एकदम से पता नहीं क्यों चुल चढ़ी कि मुझे चुल इज द वर्ड एक्चुअली चुल हुई कि मुझे लेना ही लेना है। सो आई ऑर्डर दिस वन फ्रॉम मोशिनो इटली एंड दिस इज द बैग एंड इट्स सो क्यूट, मेरे को लाइव और सुंदर दिख रहा है। साइट पे काफी पिंक था बट इन रियल इट लुक्स अ बिट ऑफ लाइक अ मिक्सचर ऑफ लैवेंडर एंड बेबी पिंक एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो यस, मेरे को गिफ्ट काफी लोग मतलब मुझे गिफ्ट्स में मिले हुए हैं लग्जरी बैग्स, बट मैंने खुद से, ये फर्स्ट बैग है जो मैंने खुद से लिया है लाइक लग्जरी बैग परचेज। सो यस दैट्स दैट एंड इट्स अ वेरी वेरी क्यूट कलर, आई लव इट, मुझे बहुत सच में बहुत अच्छा लगा है। अभी इसका बैग ये सब बाद में खोलूंगी। दूसरा हैप्पी न्यूज इज माय न्यू फोन इज हियर। आई डिड नॉट प्लान ऑन बाइंग द आईफोन 12 प्रो, बट बिकॉज मेरा फोन अब थोड़ा ना गुड बाय सिम्टम्स दे रहा है मेरे को, तो आई हैड टू बाय इट एंड सॉरी ऐसे करना चाहिए था मुझे, और वो ASMR भी करना चाहिए, सॉरी आई एम नो अबाउट दिस, बट दिस इज द कलर दैट आई ऑर्डर्ड विच इज पैसिफिक ब्लू। हेलो दासवाड़, इस सबसे गंदी चीज है जो चार्जर नहीं दिया ना इन लोगों ने, नहीं मतलब बंद कर दिया चार्जर देना, सो चीप यार, पहले कितना अच्छा होता था, एयरफोन्स भी मिलते थे और चार्जर भी, गुड ओल्ड डेज। Yes, that's about it. अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, बिकॉज मुझे बहुत भूख लग रही है। आई ओनली हैव हाफ एन आवर अंटिल माई लाइव सेशन बिगिंस, तो अब मैं आपको सीधा लाइव के बाद ही मिलती हूँ। सी यू, एडियोस अमिगोस। तो गाइस मेरा लाइव फाइनली खत्म हुआ है, एक घंटा में इतना बोली मेरा गला सूख के बाहर आ चुका है। सो आई थिंक आई एम गोना एंड द व्लॉग हियर, बिकॉज काफी दिस व्लॉग वॉज ऑल ओवर द प्लेस, टू मच हैपेंड इन दिस व्लॉग एज यू गाइज हैव सीन ऑलरेडी। So I'm just gonna go make a few videos and then just take off my makeup and then relax and chill a bit. So see you guys in my next video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. And yes, subscribe zarur karna warna. I'm sorry. I'm sorry. गंदी बात पर चाटा पड़ो, गंदी बात की, गंदी बात क्या किया ये?